बचपन गरीबी में कटा। 11 साल की उम्र में घर की परेशानियों से भागकर दिल्ली तो आ गया, लेकिन दिल्ली पहुंचकर क्या करना है कोई आइडिया नहीं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोने लगा, वहीं कबाड़ उठाने लगा, फिर वहां से भी भाग गया। इस भागा दौड़ी में जब जब गिरा, खुद से संभला, खुद से सीखा। इसी गिरने संभलने और सीखने के दौरान मैं अपने लेट्स एंड डार्कनेस मोमेंट से रूबरू हुआ, मुझे अपनी राह मिली फोटोग्राफी में। मेरा नाम विक्की रॉय है और ये कहानी है मेरे लेट्स एंड डार्कनेस मोमेंट की। पुरुलिया बंगाल में मेरे पिता सड़क किनारे मशीन लगाकर टेलरिंग का काम करते थे। दिन में 15 से 20 रुपए कमाकर 7 बच्चों की परवरिश करना उनके लिए मुश्किल था। वे चाहते थे मैं मैट्रिक कर लूं, लेकिन जहां एक वक्त का खाना ठीक से नसीब ना हो वहां पढ़ाई कैसे की जा सकती थी। मुझे नानी के घर भेजा गया। नानी घर में शरारतें बढ़ती गई और छोटी मोटी चोरी करने लगा। पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, इस सब के चलते बहुत पिटाई होती थी। उसी दौरान फिल्म देखनी शुरू की। फिल्म की काल्पनिक कहानियों के काल्पनिक किरदारों से प्रभावित होने लगा। बड़े शहरों की चकाचौंध ने अपनी ओर मुझे आकर्षित किया, लगा वहाँ पिटाई नहीं होगी। 11 साल की उम्र में मामा जी के कुछ पैसे चुराकर नानी घर से मैं भागकर दिल्ली आ गया। लेकिन दिल्ली फिल्मों में दिखाए जाने वाले बड़े शहरों जैसा बिल्कुल नहीं था। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या करना है कुछ नहीं पता था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ देखकर मैं घबरा गया। रोते हुए मैं प्लेटफॉर्म पर वापस आया और एक कोने में बैठ गया। स्टेशन पर कबाड़ उठाने वाले लड़कों ने मेरी कहानी सुनी, मुझे खाना दिया। मैं उन्हीं के साथ स्टेशन पर कबाड़ उठाने लगा। डर खत्म हुआ और मैं आज़ाद फील करने लगा। मैं लाइफ इंजॉय करने लगा। धीरे धीरे पता चला कि स्टेशन की लाइफ भी आसान नहीं है। वहाँ भी मार पड़ने लगी, कभी पुलिस से, कभी पब्लिक से, तो कभी लड़कों से। मैं स्टेशन से भी भाग गया। इससे बेहतर लाइफ तो घर पर ही थी। बस यही सोचकर इधर उधर भटकता रहा। एक दिन किसी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक एनजीओ सलाम बालक ट्रस्ट भेजा। वहाँ मेरी रेगुलर स्कूल शुरू हुई। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, एनजीओ के टीचर तिवारी सर ने मुझे पढ़ाई छोड़कर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग करने की सलाह दी। मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था अगर फोटोग्राफी करूँगा तो घूमने फिरने को मिलेगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र बन जाऊँगा, क्योंकि उस समय लगता था प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र बनने के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है। मैं 18 साल का होने वाला था और सलाम बालक छोड़ने का वक्त नज़दीक आ रहा था। फोटोग्राफ़र बनने के लिए कैमरे की ज़रूरत थी और कैमरा ख़रीदने के लिए पैसों की। मुझे कुछ समझ नहीं थी कि सलाम बालक से निकल कर मैं क्या करूँगा। जहाँ नज़र दौड़ाता अंधेरा ही दिखता था। मैं डिप्रेस्ड और डेस्परेट होने लगा। मैंने सलाम बालक से लोन की गुजारिश की। 28,700 रुपये का लोन मिला, जिससे मैंने फिल्म कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी शुरू की। दिन रात प्रैक्टिस करता रहता और कुछ ही महीनों में फोटोग्राफी के टेक्निक सीख गया। सलाम बालक से निकलते ही मुझे फोटोग्राफी असिस्टेंट की नौकरी मिल गई थी। हालांकि काम शुरू करने के 3 साल के बाद मेरी पहली फोटोग्राफी एग्जीबिशन दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी, लेकिन मैं अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था। खुद को फोटोग्राफर तो कह सकता था लेकिन प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि मैं अभी भी फोटोग्राफी असिस्टेंट ही था। लेकिन फिर लेट्स एंड डार्कनेस मोमेंट ने मेरे लाइफ में दस्तक दी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रिकंस्ट्रक्शन फोटोशूट के लिए दुनिया भर से 4 फोटोग्राफर चुने गए, जिनमें से मैं एक था। उस दिन पहली बार मुझे अपने काम पर कॉन्फिडेंस आया। फिर जब फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 के सूची में मेरा नाम आया तो अपने काम को लेकर मेरा कन्विक्शन और भी बढ़ गया। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि आप जिंदगी में स्ट्रगल करते लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे, और हर बार यही कहता हूँ, छाया अंधेरा हर ओर पर तुझे उससे क्या, छाया अंधेरा हर ओर पर तुझे उससे क्या,
राह देखेगी तुझे, एक लो जला के तो देख। लेट्स एंड डार्कनेस बाय क्रिएटिंग आवर ओन लेट्स एंड डार्कनेस मोमेंट। Let's end doubts. Let's end darkness. Havells Lighting. Better light, better life.